हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हुंडई की इंडिया में टॉप सेलिंग एंड मोस्ट पॉपुलर सेडान कार के बारे में, हुंडई वर्ना के बारे में। तो दोस्तों, हुंडई ने अपनी वर्ना के ऑनगोइंग मॉडल में काफ़ी कुछ फ्रेश चेंज किए हैं, जिससे ये कार पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी है और पहले से ज़्यादा फीचर से लेस है। तो दोस्तों, न्यू हुंडई वर्ना 2020 फेसलिफ्ट में आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर में काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल जाएगा, और इन्हीं सभी चेंजेस और फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और साथ साथ में अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को। तो दोस्तों, हुंडई वर्ना अपने प्रीमियम लुक की वजह से इंडिया में बहुत पॉपुलर कार रह चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस कार के लुक की। तो दोस्तों, इस कार को अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो इस कार में आपको न्यू क्रोम फिनिश्ड फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी। उसके साथ में दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कंप्लीट रीडिजाइन एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और दोस्तों न्यू प्रीमियम बम्पर भी मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें इस कार के साइड प्रोफाइल की, तो दोस्तों साइड से भी इस कार को नया टच दिया गया है और सिल्वर डोर हैंडल्स के साथ में न्यू ड्यूअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इस कार में। बात करें दोस्तों अगर बैक लुक की, रियर लुक की, तो दोस्तों इस कार के रियर लुक को भी नया डिज़ाइन दिया गया है, नए एलईडी टेल लैंप्स और आपको न्यू रियर बम्पर देखने को मिल जाएगा इस कार में। शार्क पीस रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर के चारों तरफ दोस्तों आपको क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इस कार को। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हुंडई ने अपनी नई वर्ना 2020 फेसलिफ्ट में काफ़ी नई चेंज करने की कोशिश की है, जो कि पहले से भी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है इस कार को। तो दोस्तों बात करते हैं अब इस कार के इंटीरियर और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस कार में आपको ड्यूअल टोन डैशबोर्ड तो देखने को मिल ही जाएगा, साथ साथ में आपको मिलेगा न्यू कम्प्लीटली टच डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि इस बार अवेलेबल होगा दोस्तों ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ में। ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी में दोस्तों आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, व्हीकल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिमोट एक्सेस, लोकेशन बेस्ड सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 45 नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस कार में आपको 45 न्यू फीचर्स मिलेंगे ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी बेस्ड। इसके अलावा दोस्तों 4.2 इंचेस कलर TFT स्क्रीन आपको मिल जाएगी, डिजिटल क्लस्टर और फ्रंट वेंटिलेटर सीट भी आपको इस कार में अवेलेबल होगी, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, वायरलेस चार्जिंग, इको पोर्टिंग, रियर USB चार्जर, आर्क में प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे शानदार और प्रीमियम फीचर आपको इस कार में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें दोस्तों इंजन की, तो इस कार में आपको 1497 सीसी का इंजन अवेलेबल मिलता है, जो कि 1.5 लीटर डीजल और पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल है और जो इंजन क्रेटा से इंस्पायर्ड है। ये इंजन दोस्तों आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरिंग सिस्टम के साथ में अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इस कार में मिलता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो आपको 180 हॉर्स पावर प्रोवाइड करता है 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, और दोस्तों ये इंजन आपको 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स सिस्टम के साथ में अवेलेबल मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों माइलेज की। तो कंपनी की तरफ से इस बार इस कार का माइलेज रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि ये कार आपको इन सिटी 14-15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देगी। और दोस्तों अगर बात करें प्राइस की, तो दोस्तों ये कार आपको अवेलेबल मिलेगी 9 लाख रुपीज़ से 16.5 लाख रुपीज़ तक, जो कि इसके एक्स शोरूम प्राइसेस होंगे। सेफ्टी के भी दोस्तों आपको इस कार में काफ़ी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे ऑल एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्टेंट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक रेंज सेंसर, टायर प्रेशरिंग मॉनिटर सिस्टम, लेन कीप असिस्टेंट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे शानदार फीचर्स आपको इस कार में अवेलेबल मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कार, आपके कैसे व्यूज़ हैं इस कार को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें उस बेल आइकन को भी, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और इस तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोगों के सामने लेके आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गोल्डन टॉक्स।